तो दोस्तों हमारी तैयारी हो चुकी है और अब हम जाने वाले हैं वापस दिल्ली, और बैग हमारे तैयार हो चुके हैं और एक थैला वो भी है, वो मेरे जिठानी जी ने कर दिया यहाँ से, यहाँ के ऑर्गेनिक जो है सब्जी है और साथ में है यहाँ का सिंग चना जिसको बोलते हैं सिंग चना, वो भी रख दिया उन्होंने वहाँ पे, मतलब एक थैला एक्स्ट्रा हो गया, यानी लेकर तो हम कम थैले आए थे और वापस लेते हुए जा रहे हैं ज़्यादा थैले। तो चलिए चलते हैं, टाइम होने वाला है हमारा, और अभी बज गए 6 और 7 बजे की हमारी ट्रेन है, 7 बजे से पहले ही है, 7:45 की ट्रेन है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह के टाइम में गई थी अपनी जिठानी के साथ मार्केट ख़रीदारी करने के लिए, और हम क्या क्या ख़रीदारी करके लाए मार्केट से वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं वापस मार्केट की तरफ और आपको दिखाते हैं हमने मार्केट से क्या क्या खरीदा। दोस्तों पहुंच गए हम दुकान पे और ये है तुलसी सिंह सेंटर, तो यहीं पे मिलता है सिंह दाना। तो दोस्तों मूंगफली दाना यानी कि सिंह दाना, ये जो भुनी हुई मूंगफली होती है यहाँ पे इसको सिंह दाना बोलते हैं, और ये तो चने हैं और ये भी ये मटर हैं, तो ये भुने हुए हैं सारे, तो मुझे पता नहीं था सिंगदाना किसको कहते हैं, तो मूंगफली को बोलते हैं, भुनी हुई मूंगफली को सिंगदाना। और ये तो केले के चिप्स हो गए, मसाले वाली मूंगफली है, ये भी चने हैं मसाले वाले, आप देख सकते हैं इनकी पूरी दुकान में यही रखा हुआ है। और यहाँ की ये दमन की इनकी फेमस दुकान है, और हमारी जिठानी ने इतना सारा ले लिया हमारे लिए, बताओ इतने सारे पैकेट सिंगदाने के भी और वो केले के चिप्स के भी, इसको क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे, केले के चिप्स बोलते हैं। तो गरम गरम है एकदम, अभी अभी बनाए हैं ताजे ताजे। ये सब डिज़ाइन है आपके पास? हाँ। इतनी प्यारी लग रही है, लाइट पिंक कलर की है, यानी कि रानी कलर की साड़ी है ये, लाइट रानी कलर, और हैंड वर्क है सारा, ये पूरे मतलब ये बुनाई है जो आपको दिख रही है, सारी बुनाई है। तो ये साड़ी है 6300 की, ये ब्लाउज़ है प्लेन, हाँ क्योंकि साड़ी भरी हुई है इसलिए ब्लाउज़ प्लेन है, तभी साड़ी ज़्यादा उभर के आती है। तो दोस्तों हमने लिए 2 साड़ियाँ, बाकी दुकान में सारी साड़ियाँ पसंद आ रही हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन है। तो ये दमन की बहुत फेमस दुकान है, इस दुकान का नाम है प्रिंस कलेक्शन, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन की साड़ियाँ और सारे नए डिज़ाइन है। तो आपको पीछे दुकान दिख रही होगी, वहीं से हमने खरीदी है ये साड़ियाँ। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं, तो ये आ रखे मिलने के लिए, ये दोनों हमारी जिठानी जी की सहेलियाँ हैं यानी कि फ्रेंड्स हैं। तो आप कहाँ पर रहते हो? हाँ जी, हम हिमाचल में रहते हैं। और ये है टीरी से, तो दोस्तों ये आए हुए मिलने के लिए। तो दोस्तों घूमना तो हमने था गुजरात में, और गुजरात में पूरा घूमना था, सोचा था पूरा गुजरात घूमेंगे और पूरा महाराष्ट्र घूम के आएंगे, यानी कि बम्बई की सैर भी करके आएंगे, लेकिन बारिश की वजह से दोनों ही जगह रह गया। तो चलिए चलते हैं, टाइम होने वाला है हमारा, और अभी बज गए 6 और 7 बजे की हमारी ट्रेन है, 7 बजे से पहले ही है, 7:45 की ट्रेन है, अभी तक हमारे जेठ जी आए नहीं हैं, वही हमें छोड़ने जाएंगे। तो दोस्तों चल पड़े हम, हमारे जेठ जी लेकर आ गए हैं गाड़ी फटाफट से, और देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। वैसे तो नज़दीक में ही है, यहाँ पर स्टेशन जो है वो नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ तो यहाँ से 20-25 मिनट लगते हैं, बाकी चलते हैं अब देखते हैं, हाँ ट्रैफिक के ऊपर है कितना ट्रैफिक रहेगा रास्ते में, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो वैसे तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, चलिए आगे का दिखा देते हैं आपको। तो
दोस्तों आप जा रही हैं हमारी जिठानी जी और हमारी भतीजी अंजलि, जेठ जी भी आए हैं वो गाड़ी में, और इस लाइन से इधर को नहीं आ सकते क्योंकि या तो फिर तुम्हें प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ ऐसे अंदर नहीं आते, तो अब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। चल ओके है, B10 चलो चलो ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर की तरफ, फिर मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी, तो धन्यवाद।